Hello friends, welcome to Acharya's Academy. So now in this video we will have our next point, that is how to rationalize any binomial quadratic third. Okay, अभी जो पिछले वीडियो में हमने देखा था तो वहाँ पे भी हमने रैशनलाइजेशन किया था, जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन था 2.3 का. तो वहाँ पे हमने कैसे रैशनलाइज किया था, अभी डिनोमिनेटर में अगर रूट थ्री है तो उसे हमें क्या करना था, सिर्फ रूट थ्री से मल्टीप्लाई और रूट थ्री से डिवाइड करना था. तो ये क्या होगा फिर, रूट थ्री इंटू वन इज़ रूट थ्री, और जो नीचे है डिनोमिनेटर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये क्या होगा, सिर्फ थ्री रहेगा यहाँ पे. ओके, सो इन दिस वे हमने रैशनलाइजेशन किया था पिछले 2.3 के लास्ट क्वेश्चन में. तो अभी क्या करना है, इस वीडियो में हमें ऐसे ही रैशनलाइज करना है, पर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, जो बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड रहेगा. ओके, तो माइनस प्लस में रहेगा वो, बायनोमियल मतलब टू टर्म्स रह गया यहाँ पे. ओके, तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे अभी क्या किया है, ए इज़ ग्रेटर दैन जीरो, बी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, तो ए इंटू बी रूट का, रूट में ए इंटू बी, तो वो क्या कर सकते हैं, हम ए को रूट ए में लिख सकते हैं, रूट बी में, मतलब उनको दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं. तो ये आपको पता है. ओके, जैसे कि रूट टेन अगर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम रूट फाइव इंटू टू, और रूट फाइव को हम अलग लिख सकते हैं और रूट टू को हम अलग ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. ओके, सो फिर बाद में क्या है, अभी यहाँ पे एक फार्मूला दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि आपको एट स्टैंडर्ड में था आइडेंटिटीज़ में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो यहाँ पे ये माइनस देना भूल गए यहाँ पे, सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, ये फार्मूला आपको यहाँ पे अभी काम में आएगा. ओके, सो यहाँ पे ये फार्मूला बहुत ही मेन है. ओके, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ए स्क्वेयर ए का रूट, रूट ए का स्क्वेयर. सो रूट ए का स्क्वेयर क्या होगा बच्चों, सो स्क्वेयर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ए रहेगा. यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी वही किया है सब, ए स्क्वेयर का अगर स्क्वेयर रूट लिया तो क्या होगा, ए ही होगा. ओके, तो ये दो फार्मूलाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फिर बाद में क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन जो कि हमने पिछले इसमें किया है, तो रूट टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे रूट एट प्लस रूट एटीन से. तो आपको कैसे करना है, रूट टू को मल्टीप्लाई रूट एट, एट से पहले करना है और फिर बाद में रूट टू को रूट एटीन से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे ये एट इंटू टू और ये एटीन इंटू टू, तो ये सिक्सटीन और ये 36 होगा, और फिर बाद में 16 का स्क्वायर रूट 4 और 36 का 6, और 6 प्लस 4 इज 10. ओके, फिर बाद में क्या किया है, यहाँ पे देखो ये दो जो सर्ड्स है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो दो सर्ड्स है वो कौन से हैं, ये बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स है. ओके, तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे रूट थ्री से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे माइनस देना भूल गए. ओके, ये जो किया है. ओके, और फिर बाद में क्या करना है, ये जो रूट टू है, माइनस रूट टू, यहाँ पे जो है माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करना है पूरे ये सेकंड ब्रैकेट को. तो समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट को, और फिर बाद में सेकंड टर्म से फिर से सेकंड ब्रैकेट को पूरे मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे माइनस देना भूल गए वो, और फिर बाद में ये जो मल्टीप्लीकेशन, ये तो आपको आपने यहाँ पे की है फर्स्ट एग्जांपल में, तो ये आप कर सकते हैं. यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है. ओके ओके, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे इस तरीके से करना है. यहाँ पे भी माइनस है. ओके, तो ये आप आगे की आगे का एक कर सकते हैं, ये आपको मतलब ये हम देखेंगे एग्जांपल में भी, हमें देखना है ऐसे एग्जांपल्स. तो यहाँ पे हम हमें रैशनलाइजेशन में हमें मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आगे, तो हम पेपर पे देखेंगे. सो नेक्स्ट क्या है, अभी बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. तो बायनोमियल मैंने अभी बताया था, बायनोमियल मतलब क्या कि टू टर्म्स. ओके, जो कि आपको अभी पॉलिनोमियल चैप्टर में है, अगले चैप्टर में बायनोमियल, जो अगर अगर एक एक ही टर्म है वहाँ पे, तो वहाँ पे मोनोमियल होगा, दो टर्म्स है तो बायनोमियल होगा, और अगर तीन टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल होगा. तो यहाँ पे क्या दिए, सिर्फ दो टर्म्स है इसलिए ये बायनोमियल है. और क्वाड्रेटिक मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर रूट है सब तरफ. ओके, यहाँ पे देखो स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव है, ये स्क्वायर रूट थ्री है. ओके, तो ये इसलिए ये क्वाड्रेटिक सर्ड्स है. ओके, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो अभी रूट रूट ए प्लस बी एंड रूट ए माइनस रूट बी को मल्टीप्लाई अगर करना है हमें. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाया. यहाँ पे देखो ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया. तो ये फार्मूला का ये जो है वैल्यू क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी है राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे ये देखो ए स्क्वायर कर दिया यहाँ पे ये, और ये बी स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर. तो एक ए रूट ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए आएगा, और रूट बी का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ यहाँ पे दिया,
और रूट बी का स्क्वायर क्या आएगा, बी आएगा. ओके इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, ए माइनस बी इज योर आंसर. तो यहाँ पे भी रूट फाइव रूट थ्री और रूट फाइव माइनस रूट थ्री का कर, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव एंड रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, सो फाइव माइनस थ्री इज टू. तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा भी उसी सेम है, यहाँ पे फाइनल आंसर माइनस फोर आ रहा है. ओके तो यहाँ पे जो आंसर है ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है टू है, यहाँ पे माइनस फोर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस इलेवन बाई फोर. तो यहाँ पे क्या आपको मतलब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हमने कॉन्जुगेट ले लिए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं. रूट ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या है, रूट ए माइनस बी. फाइव रूट फाइव प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री. तो अगर कॉन्जुगेट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है. ओके तो अभी नीचे उन्होंने दिया है सेंटेंस, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बाइनोमियल सेट्स, रूट फाइव प्लस रूट थ्री एंड रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज रैशनल नंबर. ओके इज रैशनल नंबर, हेंस दीज आर कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ ईच अदर. ओके ये जो दो है वो क्या है, कॉन्जुगेट पेयर्स है. अभी नीचे क्या दिया, ईच बाइनोमियल सेट इन कॉन्जुगेट पेयर इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर ईच अदर. ओके तो रैशनलाइजिंग ये जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है. ओके बाद में क्या है, नोट दैट फाइव रूट फाइव प्लस रूट थ्री द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सेट. अगर रूट फाइव प्लस रूट थ्री है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और रूट थ्री माइनस रूट फाइव भी हो सकता है. मतलब हमने क्या कर दिया, सिर्फ उल्टा कर दिया उसका. ओके सो ये सेवन प्लस रूट थ्री का क्या होगा कॉन्जुगेट, सेवन माइनस रूट थ्री, और उसे उल्टा भी लिख सकते हैं, रूट थ्री पहले और फिर बाद में माइनस सेवन. ओके तो फिर बाद में क्या है, ये जो दिया है, रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सेट्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. तो मैंने अभी बताया, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, कभी भी मतलब एवरी टाइम इट विल बी अ रैशनल नंबर ओनली. तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे रैशनलाइजेशन में यूज़ करनी है. तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. सो अभी यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया है. ओके सो यहाँ पे क्या दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सेट इज रैशनल. तो ये कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल सेट हमें करना है. तो यहाँ पे क्या है, वन अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री. तो इसे अभी रैशनलाइज करना है. तो उसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री की, रूट फाइव प्लस रूट थ्री. तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री से क्या करना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड भी करना है. तो ये हम एक्चुअल करेंगे, अभी पेपर पे करेंगे इसके बाद. ओके तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और फिर बाद में इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये रूट फाइव प्लस रूट थ्री जो है वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वन के साथ, तो ये एज इट इज़ रहेगा. और यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये रूट फाइव स्क्वायर क्या आएगा, फाइव आएगा और माइनस थ्री, तो फाइव माइनस थ्री इज टू. ओके तो ऐसे हमें सॉल्व करना है. तो फिर बाद में जो ये एग्जाम्पल दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो ये थ्री रूट टू, सो थ्री रूट टू प्लस फाइव है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, माइनस रूट फाइव लेना है. तो थ्री रूट टू माइनस रूट फाइव से, तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है वो क्या है, थ्री रूट टू माइनस रूट फाइव. तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है. तो ऐसे हमें ये आगे सॉल्व करके फिर ये ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. और फिर बाद में ये थ्री जो है, भी यहाँ पे देखो ये जो है इसका वैल्यू जो है, थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे नाइन आएगा, और रूट टू का स्क्वायर मतलब टू होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होके. और ये रूट फाइव स्क्वायर क्या आएगा, ये फाइव आएगा. ओके सो नाइन इंटू टू इज एटीन एंड माइनस फाइव एज इट इज, सो एटीन माइनस फाइव इज थर्टीन यहाँ पे आएगा. ओके और ये ऊपर का हमने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया. ओके एट से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये जो है एट से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. ओके सो ऐसे आपको सॉल्व करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पेपर पे हमें ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये हमें सॉल्व करना है. ओके ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो अभी पेपर पे सॉल्व करेंगे हम. ओके नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस सेट 2.4. ओके सो इन दैट वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई. सो इन मल्टीप्लाई वी हैव टू मल्टीप्लाई सेट्स. ओके रूट थ्री हियर बाय वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रूट थ्री इन दिस ब्रैकेट. ओके रूट सेवन माइनस रूट थ्री. तो अभी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे अगर हम वी विल टेक इट, ओके सो नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई दिस,
we have to multiply this root 3 with root 7 also and this root 3 with root 3 also, okay? ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है रूट थ्री को, रूट सेवन के साथ भी और रूट थ्री के साथ भी, ओके? तो फिर ये क्या क्या आएगा? सो इट विल बी रूट थ्री इंटू रूट सेवन माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ओके? तो फिर ये बाद में क्या होगा, रूट थ्री इंटू सेवन इज सेवन, थ्री जा 21, तो ये कॉमन रूट लेके आपको 7 इंटू थ्री करना है, सो 21 हो जाएगा, अरे माइनस रूट थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन, ओके? रूट थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन, सो नाउ यहाँ पे रूट 21 एज इट इज माइनस रूट नाइन इज थ्री, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके? सो रूट 21 माइनस थ्री इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, ओके? सो नाउ वी विल हैव सेकेंड क्वेश्चन, सो वॉट इज अवर सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज इन ब्रैकेट रूट फाइव माइनस रूट सेवन ब्रैकेट क्लोज रूट टू, सो नाउ अभी क्या दिया है उन्होंने, रूट फाइव माइनस रूट सेवन ब्रैकेट क्लोज रूट टू, तो ये रूट टू राइट हैंड साइड को है, तो आप क्या कर सकते हैं, रूट टू को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं रूट रूट टू को लेफ्ट हैंड, मतलब ये साइड में, ओके? सो नाउ रूट टू इन ब्रैकेट रूट फाइव माइनस रूट सेवन, ओके? सो ये क्या होगा फिर, रूट टू इंटू दिस रूट फाइव, तो आपको ऐसे ही करना है, मतलब मैंने अभी किया था, ओके? ये जो किया था रूट थ्री से रूट सेवन का मल्टीप्लाई, फिर बाद में रूट थ्री से रूट थ्री को, तो आपको भी क्या करना है, रूट टू से रूट फाइव को और रूट टू से रूट सेवन को, ओके? तो एज इट इज ऐसे करना है आपको। सो नाउ वी विल हैव थर्ड क्वेश्चन, तो ये आपको सॉल्व करना है, ओके? फर्दर क्वेश्चन, फर्दर आंसर आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज इन ब्रैकेट थ्री रूट टू माइनस रूट थ्री इन नेक्स्ट ब्रैकेट फोर रूट थ्री माइनस रूट टू। अभी यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहां पे क्या है, टू बाइनोमियल सर्ट्स है, ओके? जैसे कि मैंने बताया था आपको बाइनोमियल सर्ट्स, ओके? सो यहां पे रूट थ्री थ्री रूट टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है हमें फोर रूट थ्री माइनस रूट टू को, तो दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट एंड दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स, मतलब यहां पे बाइनोमियल मतलब क्या, दो टर्म्स है और यहां पे भी दो टर्म्स है, ओके? जैसे कि मैंने बताया था आपको। सो नाउ ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अभी आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में का जो फर्स्ट नंबर है ये थ्री रूट टू, ओके? तो थ्री रूट टू से आपको मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को, ओके? हम यहां पे लिखेंगे थ्री रूट टू इन ब्रैकेट फोर रूट थ्री माइनस रूट टू, ओके? फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको सेकंड ब्रैकेट को पूरे, और फिर बाद में जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है जो माइनस माइनस रूट थ्री, ओके? तो फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट को, फिर बाद में सेकंड टर्म से भी ये पूरे सेकंड ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है, सो फोर रूट थ्री माइनस रूट टू, ओके? यहां पे क्या किया हमने, जो थ्री रूट टू को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ओके? और यहां पे थ्री रूट जो रूट थ्री है उसे भी क्या करना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके? तो फिर बाद में ये थ्री रूट टू इंटू दिस ब्रैकेट एंड माइनस रूट थ्री इंटू दिस ब्रैकेट, तो अभी ये तो ऐसे ही होगा ये एग्जाम्पल जैसा, जैसे कि यहां पे ये दो एग्जाम्पल से समझो, मतलब ये एक एग्जाम्पल और ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे, ओके? मतलब दो एग्जाम्पल हो गए ऐसे, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी क्या करेंगे आप, सो यहाँ पे थ्री रूट टू को रूट फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में माइनस रूट टू से, फिर बाद में यहाँ पे भी रूट थ्री को फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है, ओके? सो नाउ थ्री रूट टू,
So 3 root 2 into 4 root 3, 4 root 3, ओके. ये जो साइन है माइनस देना है, फिर बाद में 3 root 2 अगेन इंटू 3 root 2 इंटू रूट टू माइनस 3 root 3 इंटू 4 root 3. ओके, ये जो रूट थ्री और ये क्या है, 4 root 3. तो रूट थ्री इंटू 4 root 3, और यहाँ पे जो है माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस है. तो ये सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान देना है सिर्फ यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं. सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस एंड रूट थ्री इंटू रूट टू एज इट इज. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप. सो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो बाहर के नंबर से यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे क्या है फोर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करना है. 4 3 12, और ये जो टू है और ये अंदर क्या है थ्री है, मतलब थ्री और टू का मल्टीप्लीकेशन होगा. तो ये आप 3 2 6 कर सकते हैं. ओके, फिर बाद में माइनस 3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है टू के साथ मतलब बाहर, तो ये 3 इंटू 1 ही है, ये एज इट इज 3 रहेगा. ओके, यहाँ पे 1 तो मतलब कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 1 होगा. ओके, सो 3 इंटू 1 इज 3. और फिर बाद में ये मल्टीप्लीकेशन में ये जो रूट टू इंटू रूट टू, दिस विल बिकम रूट फोर माइनस. सो यहाँ पे क्या है अभी 4 इंटू 1, दैट इज 4 ओनली. सो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज रूट नाइन. सो प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू इज रूट सिक्स. सो नाउ नेक्स्ट इज, अभी क्या करना है आपको, अभी देखना है मतलब जो सेम सर्ट्स है यहाँ पे देखना है आपको, लाइक सर्ट्स. तो लाइक सर्ट्स कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ पे 12 root 6 है, और यहाँ पे अभी रूट सिक्स कहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे भी है रूट सिक्स. ओके, और यहाँ पे जो है रूट फोर है, और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है रूट नाइन है. तो ये रूट फोर जो है ये 2 हो जाएगा, और ये जो रूट नाइन है तो 9 का स्क्वायर रूट इज 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 12 root 6 और रूट सिक्स एज इट इज रहेगा. तो हम क्या करेंगे, अब अभी जो है 12 root 6 है और यहाँ पे ये भी क्या है रूट सिक्स है, तो ये एक साथ लिखेंगे. सो 12 root 6 और ये प्लस रूट सिक्स है. ओके, सो प्लस रूट सिक्स. ओके, सो नाउ ये जो है माइनस ये 3 root 4 का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो माइनस अगेन दिस माइनस 4 4 into root 9 is 3. ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सिर्फ 12 root 6 एज इट इज लिख दिया, और ये जो है प्लस सिक्स, तो ये प्लस रूट सिक्स. ओके, तो ये रूट सिक्स और ये भी रूट सिक्स है, इसलिए मैंने इसे ये 12 root 6 के साथ लिख दिया यहाँ पे. मतलब ये एडिशन अभी कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों लाइक सर्ट्स है. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या है माइनस 3 into 2 माइनस 4 into 3. ओके, सो नाउ 12 root 6 प्लस 1 root 6, यहाँ पे रूट सिक्स है मतलब क्या है प्लस 1 रहता है यहाँ पे, तो 12 plus 1 is 13. तो ये कितने हो जाएंगे फिर, 13 root 6. यहाँ पे अगर हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 12 plus 1 root 6, अगर आपको स्टेप वाइज करना है. ओके, सो माइनस 3 into 2 is 6, माइनस 4 into 3 is 12. नो 12 plus 1 is 13 root 6. सो माइनस अभी यहाँ पे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है, मतलब माइनस एडिशन होगा, -6 और -12, तो दोनों माइनस है इसलिए इनका एडिशन, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का साइन. ओके, सो -6 and -12 is -18, -6 -12 is -18. ओके, सो 13 root 6 - 18 इज द आंसर. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व. ओके, तो यहां पे सिर्फ क्या किया हमने, फर्स्ट वी आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में कि फर्स्ट टर्म लेके दूसरे ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर बाद में फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है उससे फिर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. पर ये जो माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन लेनी ही पड़ेगी आपको. ओके, यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन नहीं लेते, कि नहीं तो फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं. ओके, तो फिर बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सो यू कैन राइट दिस. सो नाउ बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अभी हमने बेसिक्स में देखा रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसका मतलब अगर कोई सर दिया है आपको तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, उसका जो कॉन्जुगेट लेना पड़ता है. ओके अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है. तो अभी ये जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज रूट सेवन प्लस रूट टू, तो इसका जो रैशनलाइजिंग जो कॉन्जुगेट क्या आएगा, रूट सेवन यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है. अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उसके कॉन्जुगेट से. ओके तो यहाँ पे माइनस प्लस है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस लेंगे. ओके सो नाउ वी विल सॉल्व इट, वन अपॉन रूट सेवन प्लस रूट टू इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन रूट सेवन माइनस रूट टू. ओके सो यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया यहाँ पे. सो दिस इज अवर रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके फॉर दिस रूट सेवन प्लस रूट टू. तो अभी क्या करना है, रूट सेवन माइनस रूट टू इंटू वन इज एज इट इज रूट सेवन माइनस रूट टू. तो जो न्यूमरेटर है वन इंटू एनीथिंग, वन मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट सेम थिंग दैट इज रूट सेवन माइनस रूट टू. और यहां पे क्या करना है, अभी रूट सेवन प्लस रूट टू इंटू रूट सेवन माइनस रूट टू. तो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला याद करना है जो कि हमने अभी देखा था बेसिक्स में. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, रूट सेवन, और b की जगह पे रूट टू है. तो यहाँ पे क्या ये जो रूट सेवन माइनस रूट टू और रूट सेवन प्लस रूट टू का क्या होगा, रूट सेवन का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब क्या, रूट सेवन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर. ओके तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी देखो रूट सेवन का स्क्वायर इज रूट माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या, रूट टू का स्क्वायर. ठीक है अभी यहाँ पे रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके यहाँ पे सेवन रहेगा, और यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा टू. तो सुनाओ रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन सेवन माइनस टू इज फाइव. ओके तो रूट सेवन माइनस रूट टू अपॉन फाइव, सो दिस इज योर आंसर. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे हम ये जो रूट सेवन है, रूट से ये जो फाइव है हम डिवाइड भी कर सकते हैं, रूट सेवन अपॉन फाइव माइनस रूट टू अपॉन फाइव ऐसा भी कर सकते हैं. ओके फिर बाद में क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज थ्री अपॉन टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू. ओके अभी यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर इज टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू. तो ये जो माइनस है ये क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपली प्लस करना है. ओके सो नाउ थ्री अपॉन टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू इंटू सो टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू. ये जो माइनस का क्या होगा, ये प्लस, सो टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू. ओके अभी मल्टीप्लाई करना है. ओके अभी थ्री से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये थ्री इंटू ये टर्म और ये थ्री से इस टर्म को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो थ्री इंटू टू इज सिक्स रूट फाइव प्लस थ्री इंटू थ्री इज नाइन रूट टू. ओके यहां पे देखो ये थ्री से इस टर्म को भी और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है. और यहां पे क्या करना है आपको, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है. तो वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके
सो नाउ डिवाइडेड बाय 2 root 5, तो यहाँ पे ए क्या है 2 root 5 है और बी क्या है 3 root 2 है, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 2 root 5 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी क्या है यहाँ पे 3 root 2 है, ओके सो माइनस 3 root 2 होल स्क्वायर, ओके सो नाउ नेक्स्ट ये 6 root 5 एज इट इज प्लस 9 root 2 एज इट इज अपॉन, सो 2 square इज 4, रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका जो रूट 5 का रूट है और ये स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे 5 आएगा माइनस, सो ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो रूट 2 का रूट और ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल होके यहाँ पे 2 आएगा, ओके सो फिर बाद में ये 6 root 5 प्लस 9 root 2 अपॉन 4 5 20 माइनस 9 2 18, ओके सो नाउ 6 root 5 प्लस 9 root 2 अपॉन 20 माइनस 18 इज 2, ओके सो अभी इसको अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो 6 upon 2 विल बी 3 root 5 प्लस 9 by 2 root 2, ओके दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके सो क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ कॉन्जुगेट लेके हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ओके सो प्लस लेके ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, फिर ये 6 root 5 प्लस 9 root 2, ओके तो ये जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 root 5 का स्क्वायर माइनस 3 root 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 है और रूट 5 का स्क्वायर मतलब क्या, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे 5 रहेगा, ओके सो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 root 2 का स्क्वायर इज 2, सो 6 root 5 प्लस 9 root 2 अपॉन 4 into 5 इज 20 माइनस 9 into 2 18, सो 6 root 5 प्लस 9 root 2 अपॉन 20 minus 18 इज 2, ओके और ये 2 को हमने सेपरेटली डिवाइड कर दिया, तो 6 upon 2 इज 3, 2 3 6 और ये 9 upon 2 एज इट इज रहेगा, ओके सो इन दिस वे वी हैव टू रैशनलाइज एनी डिनोमिनेटर, ओके सो थर्ड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ओके सो वी विल नाउ वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन, सो नाउ इन दिस वी हैव थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो सॉल्व, तो यहां पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा ये जो डिनोमिनेटर है तो यहां पे क्या है 7 plus 4 root 3 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट ये क्या आएगा बच्चों, सो 7 plus है तो यहां पे सिर्फ क्या आएगा माइनस आएगा, सो 7 minus 4 root 3 और यहां पे भी क्या है 7 minus 4 root 3, तो यहां पे अभी आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4 से वो 7 minus 4 root 3 को, और नीचे जो है 7 plus 4 root 3 और 7 minus 4 root 3, तो यहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पे ए इज 7 एंड बी इज 4 root 3, तो ए का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर आएगा माइनस 4 root 3 का स्क्वायर आएगा, ओके तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का 16, 16 इंटू 3 इज 48, तो आप सॉल्व करो अभी ये आगे, ओके सो ये फोर्थ क्वेश्चन, √5 minus √3 अपॉन √5 plus √3, तो यहां पे अभी डिनोमिनेटर सिर्फ आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो न्यूमिनेटर कुछ भी हो उसका कुछ हमें ये नहीं है, डजेंट मैटर, ओके सो √5 plus √3, तो यहां पे क्या करेंगे अभी √5 minus √3 अपॉन √5 plus √3, ओके सो √5 plus √3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, सो √5 minus √3 √5 minus √3 और यहां पे भी क्या √5 minus √3, ओके सिर्फ आपको क्या करना है यहां पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ओके तो यहां पे ऊपर क्या है अभी √5 minus √3 into √5 minus √3, तो यहां पे जो है
आप फॉर्मूला वो जो ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे रूट फाइव से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो रूट फाइव माइनस रूट थ्री, रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री इंटू रूट फाइव माइनस रूट थ्री। सो नाउ नेक्स्ट इज, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है नीचे का, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे ये फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ऊपर जो है रूट फाइव से ये पूरा ब्रैकेट हमें मल्टीप्लाई करना है। सो रूट फाइव इंटू दिस होल ब्रैकेट इज रूट फाइव माइनस रूट थ्री, और माइनस रूट थ्री से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री। ओके, सो होल डिवाइडेड बाय, इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए इज हियर रूट फाइव, सो रूट फाइव स्क्वायर माइनस बी इज रूट थ्री, सो रूट थ्री स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट रूट फाइव इंटू रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव। तो यहां पे आपको सेम मेथड से मल्टीप्लाई करना है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव एंड रूट फाइव इंटू रूट थ्री, यहां पे रूट थ्री इंटू दिस एंड रूट थ्री इंटू दिस। सो रूट फाइव इंटू रूट फाइव माइनस रूट फाइव इंटू रूट थ्री, रूट फाइव इंटू रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू रूट फाइव, रूट थ्री इंटू दिस रूट फाइव। और यहां पे ये जो माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, सो प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ओके, अपॉन सो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहां पे थ्री आएगा। सो नाउ रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज रूट फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, माइनस रूट फाइव इंटू रूट थ्री इज फिफ्टीन, माइनस रूट थ्री इंटू रूट फाइव इज थ्री फाइव इज फिफ्टीन, ये भी फिफ्टीन आएगा। एंड दिस प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज नाइन, सो अपॉन फाइव माइनस थ्री इज टू, सो नाउ रूट ट्वेंटी फाइव इज फाइव माइनस रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन। सो अभी क्या करेंगे, जो प्लस नाइन है उसका थ्री, तो यहां पे प्लस थ्री हम लिख देते हैं, और फिर बाद में माइनस रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन अपॉन टू। ओके, सो फाइव प्लस थ्री एट, माइनस रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन, तो ये क्या आएगा, माइनस वन यहां पे और ये यहां पे माइनस वन, सो माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू, माइनस टू रूट फिफ्टीन अपॉन टू। ओके, तो यहां पे हम ये जो टू है ये सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सो एट अपॉन टू इज फोर, माइनस टू अपॉन टू ये कैंसिल होके यहां पे क्या रहेगा, सिर्फ माइनस रूट फिफ्टीन। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, फोर माइनस रूट फिफ्टीन, फोर माइनस स्क्वायर रूट फिफ्टीन। ओके, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ रूट फिफ्टीन रूट फाइव प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट ले लिया माइनस से माइनस में, और फिर बाद में ये मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया ये जो फॉर्मूले से। ओके, तो फिर बाद में ये मल्टीप्लाई करके फिर ये हमारा आया यहाँ पे टू। ओके, फिर बाद में ये जो रूट ट्वेंटी फाइव ये फाइव और ये रूट नाइन, यहाँ पे थ्री ले लिया, ये माइनस रूट फिफ्टीन और माइनस रूट फिफ्टीन, तो यहाँ पे ये जो है ये हमने एज इट इज रख दिया माइनस रूट फिफ्टीन। यहाँ पे फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो ये इसके फैक्टर्स भी नहीं आएंगे, मतलब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके, तो एज इट इज रख के यहाँ पे माइनस रूट फिफ्टीन और माइनस रूट फिफ्टीन माइनस टू रूट फिफ्टीन। ओके, यहाँ पे वन रहता है तो माइनस वन, और यहाँ पे वन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन इज माइनस टू। ओके, तो फाइव प्लस थ्री इज एट एंड माइनस टू रूट फिफ्टीन, तो यहाँ पे एट और ये जो टू है नीचे ये सेपरेटली डिवाइड कर दिया, तो एट अपॉन टू इज फोर एंड टू अपॉन टू इज
टू अपॉन टू इज कैंसल, तो यहाँ पे 4 - √15 इज अवर फाइनल आंसर. ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है. तो ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करो. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट विथ अवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस एट 2.4. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी 2.5.